हाय दोस्तों, वेलकम बैक। आपका दोस्त सब कुछ गाय वापस आया एक और न्यू वीडियो लेके। ये वीडियो थोड़ी डिफरेंट है। एक्चुअली क्या है कि आपको पता ही है, कोविड के वजह से ऑफिस बंद थे मोस्ट ऑफ, और कुछ ही ऑफिस ऑपरेटिव हैं जो नेसेसरी हैं, बट बाकी लोग अपने घर से ही काम कर रहे हैं। तो हम भी घर से ही काम कर रहे थे, और आपको पता ही ऑफिस में 8 से 10 घंटे काम करना होता था एटलीस्ट, तो करते ही लोग। अब भाई ऑफिस का सेटअप घर पे तो है नहीं, तो लोग कहाँ बैठेंगे? जनरली सोफा सेट्स पे बैठते हैं, डाइनिंग चेयर्स पे बैठते हैं। अब हम भी वहीं बैठे थे 2-3 महीने, भैया उनकी बैंड बज गई है, पूरे गंदे हो गए हैं, स्पॉट्स बन गए हैं, खाना गिर गया, कभी कुछ गिर गया। तो मैंने एक ड्राई क्लीनर को बुलाया था, और ये वीडियो आप स्टार्ट से लेके एंड तक पूरी देखिएगा, क्योंकि मैंने स्टार्ट में वीडियोज डाली है, इसके अंदर पूरा गंदगी दिखाई है, कैसे कैसे सोफा सेट्स और सब गंदे थे, और ड्राई क्लीनर करने के बाद उसका क्या स्टेटस था, ठीक है। और ये जो बंदा है उसका नंबर और नेम मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, और ये बंदा पूरे NCR में ऑपरेट करता है, तो अगर किसी को कराना है तो करा सकता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, ये है हमारा फर्नीचर जिसको आज हम ड्राई क्लीन कराएंगे। ये कुछ स्पॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ बिफोर ड्राई क्लीन, ओके, कैसा दिखता है, कितना गंदा हो रहा है इस वक्त। ये पूरा डस्टिंग इसके ऊपर ही है, पूरा डर्ट। ये देखिए, ये स्पॉट्स दिख पा रहे होंगे ना, ये देखिए कितना दिख रहा है आराम से। और ये डाइनिंग चेयर्स भी हैं हमारे, उसको भी हम कराएंगे साथ में। और मेरे पास ये कुछ लॉन्ग चेयर्स भी हैं जो, जिसको हम और दिखा देते हैं आपको कितना गंदगी है। देखिए पूरा ब्लैकिश टोन हो चुका है, क्रीमी था पहले, बट लॉकडाउन में बैठ बैठ के पूरा ख़राब ही हो गया। ये देखिए स्पॉट्स आप देख पा रहे होंगे। तो ये चेयर्स हैं जिसको हम ट्रैकिंग कराएंगे। मौसम आज बहुत ही ज़बरदस्त है। चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे। ये दूसरी चेयर है, तो ये आप देख सकते हैं ये स्पॉट हो गया। तो मैं ये ड्राइक्लिंग कराने के बाद भी वीडियो डालूंगा, तो आप वीडियो एंड तक जरूर देखेंगे कैसा रिजल्ट है। और मैं उन बंदे का नंबर भी इसी में डाल दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में। अगर आपको भी कराना है तो आप भी करा सकते हैं, पूरा बताऊँगा मैं कैसा रहा मेरा इसका एक्सपीरियंस। तो चलिए, जी केमिकल है तो इससे सब ये जितने भी गंदे गंदे दाग है सब हट जाएंगे। साफ साफ निकल जाए इसमें जो। दूसरा केमिकल है, दूसरा का इसमें बहुत सारे केमिकल मिक्स होते हैं। अच्छा, आप इतनी सारी बोतलें लाते नहीं है ना, तो एक कम बना लेते हैं। हाँ अच्छा, एक
तो दोस्तों अब हम आफ्टर ड्राई क्लीनिंग देखेंगे स्टेटस क्या है। अगर ये ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे स्पॉट्स था और इस जगह भी स्पॉट्स थे, सब रिमूव हो चुके हैं। कुशन ड्राई क्लीन वो कर चुका था बंदा, बहुत अच्छा उसने किया है क्लीन। ये देखिए पूरा डस्ट क्लीन है पूरा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी स्पॉट्स जो थे सब रिमूव हो चुके हैं, एकदम से नया जैसी फीलिंग आ रही है। ये इसकी चेयर थी और ये पूरा सेट अच्छा से चमकता हुआ दिख रहा है। इवन उसने कॉम्प्लीमेंट्री एक छोटा सा हमारे पास था ये सेटिंग के लिए, इसको भी कर दिया था। और मैं आपको लॉन्ग चेयर दिखा देता हूँ कि उसका ये दूर से देखिए बिल्कुल चमकती हुई दिख रही है। और आपको याद हो तो यहाँ पर भी एक ब्लैकिश स्पॉट्स बने हुए थे, वो सब रिमूव हो चुके हैं। ये जो आपको ये ब्राउनिश दिख रहे हैं ये इसका डिज़ाइन है, ठीक है। तो स्पॉट्स जो थे वो सब रिमूव हो चुके हैं। मैं आपको क्लोज इन भी करके दिखा देता हूँ, ये देखिए सब ये एक डिज़ाइन है बट यहाँ पे स्पॉट्स थे वो सब रिमूव हो चुके हैं। ये थी पहली चेयर और ये फिर दूसरी सेम, देखिए बिल्कुल नीट एंड क्लीन, कोई भी जो हैंडल पे तो ब्लैकिश हो चुका था सब क्लीन हो चुका है। ये देखिए तो बंदे ने बहुत अच्छा काम किया है और बड़ा मेरे को मैं इम्प्रेसिव था उसके वर्क से। तो अगर आपको कराना है तो उसके नंबर जो डिस्क्रिप्शन में आप उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो ये था आज का, और ऐसी वीडियो अगर चाहते हैं फ्यूचर में तो कमेंट सेक्शन